हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि जब भी किसी महिला की डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी होती है, यानी कि ऑपरेशन के थ्रू उसके बच्चे का जन्म होता है, तो पेट पर काफी ज्यादा टाके पड़ते हैं और उन्हीं टाकों की वजह से पेट पर निशान भी पड़ जाते हैं, जो कि महिला की खूबसूरती को काफी हद तक बेकार कर देते हैं। इसीलिए ना ही वो शॉर्ट ड्रेसेस पहन सकती है, ना ही लहंगे पहन सकती है, ना ही अपनी टमी को फ्लॉन्ट कर सकती है और ना जाने क्या क्या। आइए जानते हैं कि यदि आपकी डिलीवरी सिजेरियन हुई थी तो उसके बाद पेट पर पड़े हुए निशानों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है नींबू। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो यकीनन आपके पेट के ऊपर टाके लगे होंगे, जिसकी वजह से आपका जख्म काफी हरा रहता है। इसीलिए अपने जख्म के भर जाने के बाद या फिर डिलीवरी के 6 से 7 महीने बीत जाने के बाद आप अपने घाव के ऊपर नींबू के रस को लगा सकते हैं। नींबू किसी भी प्रकार के निशान को दूर करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर एसिड की थोड़ी मात्रा होती है, इसीलिए हो सकता है कि आपकी पेट पर जलन पैदा कर दे। इसीलिए एक नींबू के अंदर हल्की सी पानी की मात्रा को मिलाकर नींबू के रस को थोड़ा सा पतला कर लीजिए और इसे पेट पर लगाने के बाद 3 से 4 मिनट से ज्यादा मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी तो स्किन जल सकती है। ये नुस्खा काफी अच्छा है, लेकिन एहतियात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा समय तक इसे अपनी बॉडी पर नहीं लगाना है और जब आपका घाव कच्चा हो तब भी आपको इसे अपनी बॉडी पर ट्राई नहीं करना है। टिप नंबर 2 है टमाटर यानी कि टमेटो। एक टमाटर को हाफ कट करके उसे अंदर की साइड से, जहां पर गुद्दा और बीज होते हैं, उस साइड से अपने निशान पर 20 से 30 मिनट के लिए अच्छे तरीके से और हल्के हाथों से मसाज करिए। हाथ को इतना हल्का रखिए कि आपके टांकों पर बिल्कुल भी प्रभाव या फिर दबाव ना पड़े। अगर आप रोजाना ऐसा करते हैं तो आपके निशान हल्के पड़ने शुरू हो जाएंगे। टिप नंबर 3 है एलोवेरा। एलोवेरा एक ब्यूटी प्रोडक्ट है और इसके अंदर काफी ठंडक भी होती है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए आप ताजे एलोवेरा की पत्ती को बीच से कट करके उसी का एलोवेरा जेल निकालकर अपने घाव पर लगा सकती हैं। ये ना केवल आपको ठंडक देगा बल्कि घाव के निशान को मिटाने के लिए भी काफी मददगार है। टिप नंबर 4 है सेब का सिरका यानी कि एप्पल विनेगर। आप एप्पल विनेगर को अपने निशान के ऊपर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद गर्म तौलिए से या फिर गर्म पानी से ही उसे साफ करिए। हफ्ते में 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को करने से भी आपके निशान हल्के पड़ना शुरू हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये है कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद मिलने वाले पेट के निशानों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। इन्हें ट्राई जरूर करिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।